जी हां, ट्रक से पुलिस को 7 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बाद से ही गांजे की मांग बढ़ गई है और लगातार गांजा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी मात्रा में गांजा तस्कर गांजे को बिहार में खपा रहे हैं, या यूं कहा जा सकता है कि बिहार शराबबंदी के बाद से गांजा तस्करी का सबसे बड़ा हब बन गया है। एक बार फिर बेगूसराय में भारी मात्रा में गांजे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बिहार में जारी है नशे के सौदागरों का खेल। ट्रक से बरामद हुआ 7 क्विंटल गांजा, ट्रक के तहखाने में छिपा था नशे का सामान। ट्रक ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। बेगूसराय के 0 माइल थाने की पुलिस और एसटीएफ की टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उसने गुप्त सूचना के आधार पर बरौनी गोलंबर के पास से एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक से पुलिस को करीब 7 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। ट्रक में एक गुप्त तहखाना बना हुआ था जिसमें गांजा छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया। वही बरामद गांजे की कीमत 8 लाख रुपए आंकी गई है। गुवाहाटी में गाड़ी खड़ा था, तब हम लोग के जन गाड़ी नहीं था, आदमी कहा कि गाड़ी पटना ले जाना है तो चले आए। जानकारी रहा, गाड़ी हो जाता तो इस पर तो हम चलते नहीं गाड़ी पर। इसको गुवाहाटी समस्तीपुर जाता किसी को देने के लिए। किसको? बुल्ला रहा नाम। ये गांजा गुवाहाटी से लाया जा रहा था और इसे समस्तीपुर में कहीं डिलीवर करना था। पुलिस इस पूरे मामले के मुख्य सरगना तक पहुंचने के लिए गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर और खलासी से पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी कि समस्तीपुर की तरफ से ट्रक आ रहा है जिसमें कि गांजा लदा हुआ है, तो एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस के द्वारा ज्वाइंटली ऑपरेशन किया गया। करीब 600 kg गांजा है, उसमें 2 लोगों को डिटेन किया गया। यूपी रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है और दोनों व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं वो पटना जिला के रहने वाले हैं। तो कौन इनका सप्लायर था और कहाँ इनको डिलीवर करना था वो अभी पूछताछ के क्रम में क्लियर हो जाएगा। बिहार में गांजा तस्करी के मामले काफी बढ़ गए हैं। हाल ही में 23 मई को बिहार के मोतिहारी से भी 25 किलो गांजा और 14 किलो चरस पकड़ी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गुनाह के लिए बेगूसराय से धनंजय झा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।